15 लाख रुपए आए हैं, वो आ गए, वो आ गए 15 लाख। सब कुछ बेच दिया, क्या नहीं बेचा? एक दिन इन गरीबों को ही बेच देगा, ले जाओ इन्हें भर के, हम तंग आ गए इनसे। 18 घंटा मोदी जी काम करते तो देश में इतनी महंगाई और बेरोजगारी और सारे सरकारी संस्था प्राइवेट नहीं हो जाते? अरे तलवार के आगे कौन जीता है? कोई भी नहीं जीता। जो बोलेगा उसके खिलाफ वो अंदर जाएगा, कोई नहीं बोलेगा उसके खिलाफ। महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई तो नहीं थी। उड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हर आदमी को मांगे खाई इज्जत से, मोह से चैन के नहीं चोरा था। आज आदमी का 400 का मांगे भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, क्योंकि काम नहीं है। 400 रुपये बहुत महंगे हैं। 200 रुपए का दूध आ गया, 200 रुपए की सब्जी ले गया, क्या खाएगा? एक दिन में क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बचा के रखेगा? प्राइवेट सेक्टर में पढ़े लिखे हैं, उनको आजकल नौकरी मिल गई क्या? अब तक धक्के खा रहे, डिग्रियां लेकर घूम रहे बड़ा बड़ा कंपनियों के अंदर। कोई पटना से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा, कोई झारखंड से आ रहा, कोई राजस्थान से आ रहा, कोई गुजरात से आ रहा, कैसे रह रहे हैं? उनसे तो पूछा कैसे वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, कैसे गुजारा चला रहे हैं? जो यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं उनके दिल से पूछिए आप। अरे गाली निकलती है यार, मुझे क्या बदल दिया? कांग्रेस बढ़िया थी, कांग्रेस बढ़िया थी। हर दुकानदार गरीब से लेकर अमीर तक कमा के खा रहा था, सब कमा के खा रहा था। कोई मोदी आज भी कांग्रेस के लोग को गुण गाते हैं, आज भी लोग बाग इंदिरा को याद करते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं। काल के अंदर आप ये बताइए कितने गरीबों को धंधा बढ़िया मिल गया? इस मजदूर से पूछो कि दिन भर कितने कमाता है, इससे दिल से पूछो कैसे पेट काट के बच्चों के लिए पैसा कमा रहा है। यहाँ पे 30 रुपए की रोटी खानी तो 20 की खाता है, 10-20 रुपए बचाने की सोचता है। कितनी दूर से यहाँ आगे काम धंधा कर रहे हैं। G20 आ गया, गरीब आदमी तो मर गया 4 दिन में, भर के पैसे वालों के लिए बच गया, गरीब आदमी के लिए थोड़ा ना बचा। अब गरीब को देखो, पैसे वाले को मत देखो बड़े भाई। डबल इंजन की सरकार कहाँ पे थी? हवाई जहाज में बैठ के। इधर अदानी बैठा है, इधर मोदी बैठा है। डबल इंजन की सरकार ये है हवाई जहाज में, और कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। दुनिया वाले यहाँ आ गए है ना, वहाँ से कोई आया जो यहाँ से भगोड़े गए हुए हैं उनको वापस लाया? ये उनको वापस लाया? नहीं लाया। ये भी यहाँ से भाग के जाएगा, झोला लेके जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आपके द्वारा आ गया तो कुछ नहीं कर रहा। भला अगर होता ना तो इतना महंगाई नहीं होता, मेरा सैलरी बढ़ नहीं रहा और महंगाई बढ़ते जा रहा। इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उस स्टेशन का नाम बताओ जहाँ चाय बेची है, या उस आदमी का नाम बताओ जिनने चाय पी है, या उस स्कूल का नाम बताओ जहाँ इन्होंने पढ़ा है, उस बंदे का नाम बताओ जिसके संग पढ़ाई करी है। अभी आपने पढ़ाई करी, आपका कोई क्लास फेल होगा? होएगा नहीं होएगा? आप बता सकते हो मैंने इसके संग में पढ़ाई करी है? मोदी जी बात किसी एक को खड़ा कर दें कि मैंने झूठ बोल की है। बिल्कुल सरासर सारे झूठ ही है।